सो गाइस ये रहा फुटबॉल गेम, सही है। देखते हैं कैसा है ये अंदर से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी ब्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करें। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो करना सो गाइस, आज मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है। क्या हुई? बहुत बैड हैपेंड हुआ है मेरे साथ। सो गाइस, मेरा हाथ जल गया है, इसमें पूरा तेल गिर गया है। जी। तो अभी अम्मी ने टूथपेस्ट लगाया है और यहाँ तो अम्मी अच्छा ही लग रहा गर्म में। तो मैं फ्रीजर में हाथ डाल के बैठा हुआ हूँ। सही कहते, जब भी कहते हैं जले हुए लोगों को ठंड में रखा जाता है ना एसी में। बात तो सही है। आए मेरा अंगूठे की खूबसूरती चले जाएगी, काला काला हो जाएगा मेरा अंगूठा। ए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बबल निकलेगा उसमें नामाद, ओ दामाद बोल उसमें मावाद भरेगा, फिर अम्मी फोड़ फोड़ के उसको निकालेंगी। ओ ओ हो, टच हो गया। कैसे हो यार? मेरा तो ऐसा जला था यहाँ पे, इतना मोटा फफोला और झाड़ू लगाते हुए वो यूं हो गया। अरे फफोला छोड़ो, इतना जोर का लगा है, तेरी बाहर नहीं निकालना, मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। सो गाइस, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा था गाइस। अभी मैं तीन दिन से बिजी था। दरअसल मैं गाड़ी का काम करवा रहा था। गाड़ी मेरी दरअसल ना वो उसको नया कर रहा था, तो वो भी मैं दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। और अभी बस एक बैड हैपेंड हो गया। मैं अभी रोटी बना रहा था, रोटी नहीं रोल बना रहा था। मैंने बोला यार भूख लग रही, चलो अम्मी के लिए भी थोड़ा सा रोल, अम्मी भी खा लेंगी मैं भी खा लूँगा, तो रोल बना लेते हैं। लेकिन बहुत बुरा हाथ जला है पूरा। असल में हुआ क्या कि जब मैं तवे में मैंने दो कबाब तले, कबाब तलने के बाद जब मैंने रोल बना लिया तो उसको सेकने जा रहा था मैं, तो बहुत ज़्यादा तेल था ना उसमें तवे में। तो मैंने चलो उसको मैं छोटी सी बाल्टी में निकाल लेता हूँ जिसमें हमारे तेल होता है बरनी में, तो उसमें निकाल रहा था, बस अंगूठे पे पूरा आ गया। जो चीखा हूँ मैं, फिर अम्मी आ गई, मोहल्ले वाले आ गए, पीछे वाले आ गए, क्या हुआ? तो फिर मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो जब होता है, जब बहुत खूबसूरत लड़की रहती हो सब जानते हो, तो आ जाएंगे उसकी चीख मारने पे सब। लेकिन जब लड़का खूबसूरत हो, लड़का रह रहा है, उसकी चीख पे भी कोई भी नहीं आता। क्यों ऐसा जुल्म क्यों है लड़कों के साथ? एक लड़की चिल्लाती है हजार लोग जमा रहते हैं, एक लड़का चिल्लाता है तो उसी के बाद उसको चमाट मार के चुप करा दिया जाता है। चुपा यार, तू मर्द है, तू लड़का है, तू रो नहीं सकता। अल्लाह, जुल्म है लड़कों पे भैया। बात तो सही है। ओहो हो, बहुत जोर का जला है गाइस। सोचो मैं दर्द में हूँ, सोचो। देखो कैसा जला है। वो तो अम्मी ने फौरन हाथ धुलाया ठंडे पानी से और फौरन बोला बेटा फ्रीजर में हाथ घुसेड़ लो। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा होता ये। अब ये एसी तो है नहीं हमारे घर में, अब्बा हमारे एसी में सो रहे होंगे वहाँ पे और हम लोग देखो यहाँ गर्मी में पड़े हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ डिफ्रीजर खोल के ना कमरे में रख के बंद कर दूँ। पूरे कमरे में पूरे कमरे में बर्फ जम जाएगी, वही चीजें वीजें ला के खुले में रखो, बस बेहतरीन ना। हमारे अब्बा वो देख रहे होंगे तमिलनाडु मूवीज रात भर बैठ के, खुद ने कहा उन्होंने, मैं नहीं कह रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं रात भर बैठ के तमिलनाडु मूवीज देखता हूँ, एसी में सोता हूँ। सो मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? अरे अम्मी, आज तो वो गेम खेलना था ना, वो गेम कैसे खेलूंगा? अरे हाय, इतनी जोर का जला है कि अब गेम कैसे खेलूंगा। मैंने गेम दिखाना था, गाड़ी का दिखाना था। अरे यार, हाँ हवा लगेगी ना, तो असल में गर्मी बहुत है ना, ये हाथ बाहर निकालने का दिल नहीं चाह रहा है इसमें से, फ्रीजर में से। फ्रीजर में ना ज़रा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। अब वो भी नहीं है बर्फ़,
बर्फ भी नहीं है कि मैं बर्फ वाले पानी में हाथ डाल लूं। ओए होए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। A few moments later. तो गाइस देखो, ये तेल पड़ा हुआ इतना सारा गरम गरम यही मेरे हाथ पे लगा था। ये यहाँ से तेल छलका, वापस जलन शुरू हो गई। जैसे ही फ्रीजर से हाथ बाहर निकाला, जलन शुरू हो गई। The next morning. So guys, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और मेरा अंगूठा जो है वो पकना शुरू हो गया है। यहाँ से आप देख रहे होंगे तो मेरा अंगूठा जो है यहाँ से पकना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ये पूरा पक जाएगा, फिर मैं इसको खा जाऊँगा। तू पागल है क्या? So guys, अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। पहला प्रोजेक्ट तो मैंने दिखाया नहीं। पहला प्रोजेक्ट क्या था? अच्छा हाँ, वो तो मैं वीडियो मैंने कंटिन्यू करी है ना, मैंने कहा था गेम वेम खेल के दिखाऊंगा, जो मैं गेम लेकर आया था 3-4 दिन पहले मैं लेकर आया था। तो अब भी मैंने गाड़ी को भी मेंटेन करवाया है, उसकी मेंटेनेंस करी है गाड़ी की, सही है। तो गाड़ी का भी मैं व्हील कवर निकाल के लेकर आया, उसमें मैंने दरअसल कलर करना था। और इस बार अम्मी ने कहा है व्हील कवर को सिल्वर या क्रोम नहीं करना, रेड करना। तो अम्मी ने कहा करने का, तो मतलब करने का। A few moments later. So guys, देखो ये सारे व्हील कवर हैं, सही है, चारों टायर के। अब इसके ऊपर हमने करना है रेड कलर, सही है। आई होप कि रेड कलर पूरा हो जाए, क्योंकि मेरे पास स्प्रे बोतल एक ही है। इंशाल्लाह ताला ये सब पे हो जाएगा, फिर इसको सूखने के लिए रख देंगे, फिर बाहर जाके मैं इसको लगाऊंगा, सही है। A few moments later. So guys, बाहर से मैं ये लेकर आ गया हूँ। ये ख़राब चादर है, सही है। अब इसको हम ज़मीन पर बिछाएंगे, फिर स्प्रे करेंगे, ओके। तो ये मैं अपने कमरे में करूँगा, फिर मैं पंखा चला दूँगा, सही है, ताकि ये सूख जाए। बाहर इसलिए नहीं रखूँगा, बिल्ली आती है फिर पत्ते गिरते हैं तो कलर ख़राब हो जाएगा, वरना मैं बाहर ही करता। लेकिन अब ये है कि मैं अपने कमरे में करूँगा, सही है, ओके। सो गाइस, ये है स्प्रे शार्लेट 23 शार्लेट रेड, सही है। तो हम शुरू करते हैं पेंट करना, ओके। ख़त्म हो गया। 2000 years later. So guys, अब मैं सोकर उठ चुका हूँ और अब ये है कि मैं बाहर जा रहा हूँ स्प्रे पेंट लेने, क्योंकि स्प्रे ख़त्म हो गया था मेरा, आपने देखा होगा। तो स्प्रे पेंट ख़त्म हो गया, अब मुझे एक और स्प्रे पेंट लेकर आना पड़ेगा, ताकि मैं चारों टायर के व्हील पे एक और कोट करूँगा पेंट का, ताकि वो शाइनिंग जैसे हो जाए, शाइनिंग। सही है, तो ये कर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, ओके ओके। गाड़ी नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं गेम खेलूंगा, गाड़ी भी तैयार नहीं है, दिखा दूंगा, चलो जो भी है, नहीं दिखाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? A few moments later. So guys, हम लोग घर आ चुके हैं और सफरे पेंट में लेकर आ गया हूँ, सफरे, सही है, सफरे पेंट करेंगे अभी दोबारा, उस पर एक और कोट करना है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं बिना कोई फालतू बात किए, सही है। तो ये सफरे पेंट हमने करना है, सही है, ताकि वो जल्दी से मैं उस गाड़ी के जो व्हील कवर है वो लगा सकूं, सही है। तो करने चलते हैं सफरे पेंट, तो करना। चलो भाई, हो गया माशाल्लाह। A few moments later. व्हील कवर जो है वो स्प्रे हो गए हैं और माशाल्लाह सूख भी गए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लगा सकता क्योंकि बाहर हो गया अंधेरा, सही नज़र नहीं आएंगे, सही। तो वो मैं आपको कल की व्लॉग में दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला, सही है, पूरी गाड़ी की व्लॉग होगी वो, सही है इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको जो गेम जो था मेरा, जो मैं लेकर आया था पिछली व्लॉग में 4-5 दिन पहले लेकर आया था, तो वो गेम मैं आपको दिखा देता हूँ और खेल के भी दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा गेम है वो। अम्मी भी खेलेंगी मेरे साथ, मतलब वो अम्मी ही खेलेंगी, और कौन है यहाँ पर, कोई है? हेलो, कोई है? कोई भी नहीं, सही है। तो अब मैं आपको अपनी चोट दिखा देता हूँ कि देखें मेरी कितनी बुरी तरीके से मेरा हाथ जला था, बहुत बुरी तरीके से हाथ जला था।
देख रहे हैं आप लोग कैसा हो रहा है मेरा हाथ? ये क्या है? देख रहे हो कैसा हो गया? रुक जाओ HD में दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके सो गाइस देखो मेरा अंगूठा कैसा हो गया, नाखून थोड़ा बड़ा हुआ है तो डोंट माइंड। देख रहे हो कैसा हो गया, तब बुरा हाथ जला था, अब ये सब ना पपूटा बन जाएगा, पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा। सही है, देखो लाल लाल दिख रहा है आपको अंगूठे पे, ये सब अभी इसी तरीके से बबल बनेगा, पपोटा कहते हैं ना इसे। सो गाइस ये रहा फुटबॉल गेम। सही है, देखते हैं कैसा है ये अंदर से। ओए होए 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 होए, वाओ अमेजिंग। सो गाइस ये शॉपर में थी सारी गोटियाँ, इसकी मैंने निकाल ली थी पहले ही। ओए होए 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 होए, यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हैं। चलो सही है, बहुत लंबा पड़ गया। चलो सही है भाई, अपनी गोटियाँ संभालो। ये ब्लैक वाली मेरी है, ये वाली आपकी है। अभी आ गई यहाँ पे खेलने के लिए, फुल जोश में है अम्मी। सही है, अम्मी जोश में है, मैं भी जोश में हूँ, हम भी है जोश में, बातें कर जोश में। यूं ना आते मिला आते आते मिल जाएंगे तो बड़ा मतलब नहीं, क्या हुआ खाना इस तरफ जाने के बाद इस तरफ चला जाएगा, बात तो सही है। चलो भाई रेडी अम्मी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके भाई गाइस अम्मी रेडी हैं। चलो और लेडीज फर्स्ट। ओके लेट्स सी कि अम्मी क्या शॉट मारती हैं। और चलो, अरे वाह भाई पहला गोल हो गया भैया, पहला गोल हो गया। चलो भैया मेरा आहा, जो पहले ले जाएगा। अरे बाप रे, अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे यार, अरे नहीं, अरे मेरी गोटियां तो निकालो। नहीं, अरे भैया अम्मी क्या कर गई है, जीत गई अम्मी, अरे मेरी है। क्या खेला है इनको, देख रहे जो देख रहे वाह भाई वाह। अरे बच्चे के तुम्हारे अंगूठे पे लगी हुई है, जब भी ऐसा खेल रहा है बच्चा। थोड़ी उल्टे आप पे लगी ना दगरत। ले लो चलो एक और मैच हो जाए बस, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रेडी स्टेडी। अच्छा ये लो वीडियो बनाओ आप, तुम हमारी तरफ की तो वीडियो बनी नहीं ना भाई। बात तो सही है। खेलती भी जाओ, बनाओ कैसा मुश्किल आएगी। अच्छा। देखो कैसी मुश्किलात आएंगी। अबे यार, अरे ओए ओए टर्किश। सो गाइस आप लोग को ये गेम कैसा लगा? आप लोग फैमिली के साथ ये गेम खेल सकते हैं, बहुत अच्छा गेम है, और अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम है। बाकी इसकी थोड़ी सी तारीफ अम्मी करेंगी। बहुत अच्छा गेम है, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला गेम है। सबसे अच्छी बात ये है कि टाइम की बचत होती है और गेम का गेम होता है। वाह वाह वा, क्या बात है, क्या बात है। पांच गोटियाँ डाल लो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसमें हम दूसरी गोटियाँ भी डाल सकते हैं, कैरम वाली भी डाल सकते हैं। हाँ बस थोड़ा सा स्टफ इसका, ये कपड़ा है मतलब वो पेपर है सही, और नीचे पूरा लकड़ी है, ये लकड़ी का है, तो हमने गत्ते भी रखा हुआ है ताकि पानी वानी ना लगे इस पर।
सही है, बहुत अच्छी लग रही है। असल में मेरे हाथ से पकड़ा हुआ था मोबाइल, तो जब ही ना मैं सही नहीं खेल पा रहा था, वरना मैं अम्मी को हरा चुका हूँ। चलो गाइस हम लोग और खेल रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा, शेयर भी कर दिएगा, कमेंट्स भी कर दिएगा, सही है। और अम्मी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, सही है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।